टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेवेंथ लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मेनली इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का डिस्कस का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा इन सेंटर, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग सेंट्रोइड का डिस्कस किए थे और सेंट्रोइड का हम लोग का डिस्कशन खत्म हो गया था। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इन सेंटर। तो आइए लेके चलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर क्या है? तो इन सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोले देखिए, समझिएगा आप लोग, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वन कोमा वाई वन, इसका कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, इसका कोऑर्डिनेट एक्स थ्री वाई थ्री। हम लोग क्या बोले, इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो पॉइंट बाइसेक्टर, ये एंगल ए का बाइसेक्टर ए डी, ठीक है, ये हुआ बाइसेक्टर, फिर बी का बाइसेक्टर बी ई, सी का बाइसेक्टर सी एफ, ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो बाइसेक्टर कहने का मतलब ये अगर वन है तो ये भी वन, ये टू तो ये भी टू, ये थ्री तो ये भी थ्री। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते लेते हैं, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इट इज जनरली डिनोटेड बाय आई। इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग इन सेंटर को, वो आई से डिनोट करते हैं। तो यहीं पे होगा इन सेंटर, क्योंकि क्या बोला, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो ये होगा आई, ठीक है, ये होगा इन सेंटर हम लोग का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर हम लोग को पास फार्मूला के ऊपर चलना है तो फार्मूला के लिए हम लोग को कुछ प्रोसीड करना पड़ेगा, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी आएंगे। तो जैसे ए के नीचे साइड को ए हम कहेंगे, सामने वाला साइड, बी को यहाँ पे बी कहेंगे और सी के सामने वाला साइड को सी कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को देखिए, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई डी सी एक पॉइंट है, इफ इफ ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन तब क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई डी सी क्या लिख सकते हैं, सी बाई बी लिख सकते हैं, ये स्टार बना लीजिएगा, और क्या लिख सकते हैं, सी ई बाई ई ए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई सी, और क्या हुआ, ए एफ बाई एफ बी। ए एफ बाई एफ बी क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ए एफ बाई एफ बी अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा बी बाई ए। ठीक है, और उसी तरह से और हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा बी डी बाई डी सी, सी बाई बी हुआ तो ये सी हो गया और ये बी हो गया, सी और बी हो गया। तो यानी ये हम लोग जो सेक्शन फॉर्मूला जो पढ़े थे एम रेशियो एन, तो ये इसी के रूप में है। तो डी का कोऑर्डिनेट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डी क्या ले सकते हैं, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइड बाई सी प्लस बी। वाई का कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिख सकते हैं, सी वाई थ्री, यहाँ पे लिखते हैं वाई के कोऑर्डिनेट, ये एक्स का कोऑर्डिनेट के लिए आप लिख सकते हैं, और वाई के कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिख सकते हैं, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू, सी प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये डी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब और इसमें क्या पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इसमें आप और पॉइंट लिख सकते हैं क्या, ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए आई बाई आई डी को लिख सकते हैं आप लोग बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए आई, उसके बाद बी आई बाई आई ई को आप लोग क्या लिख सकते हैं, बी आई बाई आई को लिख सकते हैं ए प्लस सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, उसी तरह सी आई बाई आई एफ को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी डिवाइड बाई सी। तो ये इसका आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, और इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो हम लोग इसके फॉर्मूला पर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे ए आई डी है, ए आई डी को हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ए आई डी, तो ए आई बाई आई डी क्या है, बी प्लस सी, आई डी क्या है ए, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन कोमा वाई वन, डी का कोऑर्डिनेट क्या है,
डी का कोऑर्डिनेट हम लोग अभी निकाले हैं, कितना डी का कोऑर्डिनेट निकाले हैं, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, और वाई का कोऑर्डिनेट कितना निकाले हैं, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू डिवाइडेड बाय सी प्लस बी। ठीक है, ये हम लोग कोऑर्डिनेट निकाले, और आई का कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स कोमा वाई मान लेते हैं। तो यही आई निकालना है हम लोग को, यानी इन सेंटर निकालना है। तो ये आई निकालेंगे हम लोग कैसे, तो देखिए आई निकालने के लिए हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, बी प्लस सी इसका कोऑर्डिनेट निकालने, ये एक्स का कोऑर्डिनेट सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइडेड बाई सी प्लस बी, और क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी प्लस ए। वाई का कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिख सकते हैं, वाई का कोऑर्डिनेट के लिए बी प्लस सी सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू, और इसका सॉरी एक का कोऑर्डिनेट तो छूट गया, ए एक्स वन भी लिखिएगा ना, ए एक्स वन। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट यानी कि इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वाई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बी प्लस सी वाई थ्री, और क्या लिख सकते हैं, ए वाई वन डिवाइडेड बाय इसका इसका डिवाइडेड बी प्लस सी प्लस बी है ना, सी प्लस बी, और पूरे का डिवाइड क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए। तो देखिए सी प्लस बी ये कट गया, और यहां से ये कट गया, तो क्या हो गया, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ये एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आई का कोऑर्डिनेट निकलने गया, आई एक्स कोमा वाई। तो यही हो गया इन सेंटर का हम लोग का फॉर्मूला, क्या हो गया, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी कोमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इन सेंटर का फॉर्मूला निकला। अब इन सेंटर में हम लोग जो एप्लीकेशन पार्ट है, ये तो फॉर्मूला हुआ, और इसके एप्लीकेशन पार्ट यानी कि हम लोग इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे अभी। तो पहले आप लोग इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसको, ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए ए का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हम लोग को इसका इन सेंटर फाइंड करने बोला है, तो इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो ये ए ये बी ये सी, ये कितना दिया है, टू थ्री, और ये दिया है जीरो वन, और ये दिया हुआ है वन कोमा जीरो। तो ए के नीचे का साइड ए, बी के बी, और इसके साइड का सी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन सेंटर का हम लोग फॉर्मूला पते पढ़े हैं क्या, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी कोमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये ए चाहिए, बी चाहिए, और सी चाहिए, ए बी सी चाहिए। तो ए बी सी चाहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। तो ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला बी और सी का क्या करेंगे, वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर, कितना हो गया, ये वन रूट टू हो जाएगा, वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस वन का रूट टू हो जाएगा। ठीक है, अब बी निकालने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, बी निकालने के हम लोग को ए और सी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, वन थ्री टेन, ये रूट टेन हो जाएगा। ठीक है, और सी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए और बी के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तो ए और बी का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये टू, ये हो गया थ्री माइनस वन, टू का स्क्वायर टू, और टू फोर, ये कितना हो जाएगा, फोर प्लस फोर, फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा, रूट एट। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग इसको ए बी सी निकालने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन कुछ हो सकता है, देखिए वन सॉरी वन वन रूट टू, ठीक है, वन प्लस थ्री टेन, ठीक है, ये टू फोर प्लस फोर रूट एट, ठीक है, ये भी सही है। तो अब हम लोग के पास ए बी सी आ गया, तो हम लोग को क्या है, इन सेंटर ए, ए कितना है, रूट टू, एक्स वन कितना होगा, एक्स वन टू है, प्लस बी कितना है, रूट टेन, एक्स टू कितना है, जीरो है इंटू जीरो, प्लस सी कितना है, रूट एट, एक्स थ्री कितना है, एक्स थ्री हम लोग के पास है वन, ठीक है, इंटू वन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए कितना है, रूट टू प्लस रूट टेन प्लस रूट एट। अब y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए a कितना है हम लोग के पास, a है रूट टू
वाई वन कितना है 3, प्लस बी कितना है √10, वाई टू कितना है 2 1, प्लस सी कितना है √8, वाई थ्री कितना है 0, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं √2 प्लस √10 प्लस √8। तो इन सेंटर में मतलब एक सिंपल सा इसका एप्लीकेशन पार्ट समझे, एबीसी निकाल के हम लोग सीधा इन सेंटर का निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और इसके बावजूद हम लोग अच्छा क्वेश्चन करेंगे, आप लोग इसको कॉपी कीजिए तब तक। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यानी कि हम लोग को पास मिड पॉइंट दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, यानी मिड पॉइंट दिया हुआ है। और हम लोग को पहले तो एबीसी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, तब इसका एन सेंटर के लिए ए फाइंड करना पड़ेगा। तो इसकी सोल्यूशन की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम लोग सोल्यूशन करें तो ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1, y1, इसका मान लेते हैं x2, y2, और इसका मान लेते हैं x3, y3, ठीक है। और डी मीडियन कितना है 1, 2, ई मीडियन कितना है ई का यानी मिड पॉइंट -2, 3, और एफ का मिड पॉइंट कितना है यानी एफ जो है कोऑर्डिनेट वो 5, 2। तो मिड पॉइंट का एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अगर x1 + x2 क्या करेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट 5, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। अब x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, एक्स का कोऑर्डिनेट, तो ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। और x3 + x1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना -2, एक्स का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया पूरा x, इसमें x1 + x2 + x3 निकल जाएगा, यानी ये इससे आपको अगर ये तीनों इक्वेशन का आप सॉल्व करेंगे तो x1 का वैल्यू फाइंड होगा, y1 का वैल्यू फाइंड होगा, या सॉरी x1 का वैल्यू फाइंड होगा, x2 का वैल्यू फाइंड होगा और x3 का वैल्यू फाइंड होगा। अब इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ ऊपर लेके चलते हैं, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, तो y का कोऑर्डिनेट ये 2 जो टू, ये फोर्थ इक्वेशन। और फिर y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2, y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये फिफ्थ इक्वेशन। उसके बाद y3 + y1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2, ये सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। ये 4, 5, 6 इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास y1 का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y2 का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और y3 का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, x1 + x2 = 10 एक इक्वेशन, x2 + x3 = 2 ये दो इक्वेशन, उसके बाद x3 + x1 = -4 ये तीन इक्वेशन। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो x1 का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा, x1 निकाल लीजिएगा, x2 निकाल लीजिएगा और x3 निकाल लीजिएगा। और फिर इसी तरह से कीजिएगा y1 + y2 = 4, y2 + y3 = 4, y3 + y1 = -4, ये 4, ये 5 और ये 6 को सॉल्व कीजिएगा तो आपको y1 मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा, y3 मिल जाएगा। तो y1 y2 y3 जैसे ही मिलेगा तो हम लोग के पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ए बी सी और ए और बी और सी का कोऑर्डिनेट जब आएगा तो आप ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ए का निकालने के लिए बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दीजिएगा, फिर बी का निकालने के लिए, बी का निकालने के लिए आपको सी ए का डिस्टेंस फॉर्मूला जो पिछले जो क्वेश्चन करे थे उसी के अनुसार आपको चलना होगा, बस आप लोग सीधे इसका फॉर्मूला से आप लोग इंसर्टर पर पहुंच जाएंगे। तो एक अच्छा मजेदार क्वेश्चन था ये, आप लोग इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। तब तक लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप लोग इसको कॉपी करें। तो अभी जो हम लोग का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, तो इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे और अभी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ए बी सी। तो पहले तो हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया जाता था, कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहता था, अब हम लोग को ए बी साइड दिया हुआ है। ए बी साइड दिया कितना है, a1x + b1y + c1 = 0, बी सी साइड कितना दिया रहेगा, a2x + b2y + c2 = 0, और ए सी कितना है, a3x + b3y + c3 = 0। ये साइड का जो है ना ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, पहले आपको क्या था कि कोऑर्डिनेट के रूप में रहता था और अभी हम लोग के पास इक्वेशन के रूप में रहता था। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। तो अगर हम लोग ए बी और बी सी को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन
सॉल्विंग इक्वेशन ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बी वी गेट बी, लिख देते हैं वी गेट बी। अगर ए बी और बी सी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बी मिलेगा हम लोग को। फिर उसी तरह बी सी और सी ए को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या, वी गेट सी। बी सी और सी ए को सॉल्व करेंगे, बी सी और सी ए को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सी मिलेगा। उसी तरह सी ए और ए बी को सॉल्व करेंगे तो वी गेट ए। तो हम लोग अगर इस इक्वेशन को अगर इस तरीके से अगर सॉल्व करें तो ए का कोऑर्डिनेट भी बड़े आसानी से मिल जाएगा, बी का भी मिल जाएगा और सी का भी मिल जाएगा। जब ए बी सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम लोग को इन सेंटर निकालना रहेगा, यानी हम लोग को यहाँ पे इन सेंटर फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो इन सेंटर जब फाइंड करना रहेगा तो हम लोग को ए का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, बी का भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और सी का भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इस तरीका से। तो जब ए बी और सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम लोग को चाहिए क्या इन सेंटर निकालने के लिए, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस ये सॉरी इन सेंटर निकालने के लिए जो हम लोग के पास जो ए निकालना पड़ता है, बी निकालना पड़ता है और सी निकालना पड़ता है। तो ये क्या इससे निकालेंगे, बी सी का मतलब ए निकालने, ये ए ये बी और ये सी। तो ए निकालने के लिए बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा क्योंकि बी का भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और सी का भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और ए सी निकालने के लिए मतलब बी निकालने के लिए हम लोग के पास ए सी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ जाएगा। फिर सी निकालने के लिए ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला का से डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस निकाल देंगे तो हम लोग के पास ए बी सी आसानी से मिल जाएगा। जब ए बी सी मिल जाएगा तो हम लोग इन सेंटर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो सी पर से निकल जाएगा। तो आप इसको कॉपी कीजिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। तो ये डिफिनेशन टू है इन सेंटर का। तो डिफिनेशन टू क्या होता है, इट इज ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये ए बी सी यहां से हम लोग एक सर्कल बनाते हैं जो तीनों पॉइंट को टच करता है, ठीक। तो यहां कहीं है आई, ठीक है, ये तीनों पॉइंट से टच करके हम लोग एक सर्कल बना लिए। क्या होता है डेफिनेशन टू, इट इज अ पॉइंट ऑफ, इट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास इन सेंटर होगा तो क्या होता है कि ये पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड से कैसे होगा, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड करने का यही। तो ये हम लोग के पास है इन सेंटर, इन सेंटर, और ये जो सर्कल जो बना तो इसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल, इन सर्कल बोलेंगे, ठीक है। ये इन सेंटर और ये इन सर्कल, इट इज ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे मान लीजिए डी मान लीजिए, ये ई मान लीजिए और ये एफ मान लीजिए। तो ये जो है आई डी इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू आई एफ, ये क्या हो गया, आई डी आई एफ ई सर्कल का रेडियस हो गया, आई डी आई ई और आई एफ सर्कल का रेडियस हुआ, रेडियस। तो R जो लिखेंगे ना वो ये लिखेंगे, तो R क्या होगा यहाँ पे, R इज इक्वल टू होगा रेडियस, और ये जो होगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। और S जो होगा ना सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सेमी पेरीमीटर S क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था बस इन सेंटर का, और बस कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था ये, आप लोग इसको बस यूज कीजिएगा, बस जैसे क्वेश्चन के दिया रहेगा, क्वेश्चन के कोडिंग आपको समझना है, बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और इसी डिस्कशन के साथ हम लोग का जो है इन सेंटर वो भी समाप्त हो गया। तो हम लोग अब नए जो लेक्चर जो हम लोग का आएगा तो एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आएगा, आप लोग इसको कॉपी करेंगे।